जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आप सभी की मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। बीपीएससी टीआरई 1.0 गया, 2.0 गया और अब 3.0 की बारी है। बड़े ही हर्षोल्लास से हर जगह यही आप सभी के सामने, सबसे पहले मैं ही वो बात आपके समक्ष लेकर आया था कि 50,000 रिक्तियां जो है आप सभी के लिए आ रही हैं यहाँ पर टीआरई 3.0 के लिए। तो अब ये था कि एग्जाम कब होगा। आई थिंक ये वीडियो आप तक पहुंच गया होगा, कई लोगों ने बनाया भी होगा कि टीचर रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम है अब वो आपका हर वर्ष लिया जाएगा, 24 अगस्त को हर वर्ष लिया जाएगा। और ये जो बात है बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में कही है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। ठीक है जी, एडवर्टीजमेंट नंबर अभी ऑब्वियसली बातें जारी नहीं हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी नहीं बताई गई है। तो कह रहे हैं एवरी ईयर कंडक्ट किया जाएगा 24 अगस्त को, रिजल्ट जो है 24 सितंबर को आएगा। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से आगे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं, यहीं पर अगर हम आगे देखें ना, तो यहां पर अगर मैं टीआरई 1.0 की बात करता हूं तो वो भी इन्होंने यहां पर अपडेट करा है। 24, 25, 26 अगस्त को जो एग्जाम लिया गया था ठीक है, और इस तरीके से जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया गया था अक्टूबर में, एंड देन फिर वो चीज। ठीक है, तो मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि इसी के अकॉर्डिंग वो इसी बिहाफ पर वो लेकर चल रहे हैं कि एवरी ईयर जो है 24 अगस्त को जो है ये कंडक्ट होगा और सितंबर में जो है इसका रिजल्ट आया करेगा। अब यहां पर अगर मैं इस बात की गंभीरता को समझूं तो गंभीरता तो जी ये है कि बीपीएससी ने यह कहा है कि हर वर्ष हम आपके लिए वैकेंसी निकालेंगे, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी टीआरई 2.0 में हमसे भूल हुई या 1.0 में हमसे भूल हुई, ठीक है, वो भूल चूक लेनी देनी और टीआरई 3.0 में आ जाना, टीआरई 4.0 में आ जाना, 5.0 में आ जाना, 6.0 में आ जाना, उन्होंने इस तरीके से कहा है। ये सब सारी की सारी चीजें हैं। तो जब ये डेट्स आती है ना, तो ये तो चलो ठीक है कि हाँ हमारे पास एक माइंडसेट बन गया कि हाँ इस डेट को हमें तैयारी करनी है, इस डेट के लिए हमें तैयारी करनी है, इस महीने में एग्जाम होने वाला है। लेकिन मैं फिर से आपसे ये कहना चाहूंगा कि एग्जाम तो कंडक्ट आप कराएंगे, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे ना तो उसकी भी डेट दे दो ना, है ना भाई, उसकी भी डेट दे दो कि नोटिफिकेशन कब रिलीज करेंगे, उसमें हम चेंजेस कौन कौन सी डेट में लाएंगे, वो भी डाल दो थोड़ा सा, तो मजा आ जाए। क्योंकि ना इससे बच्चों के अंदर ना वो जो डर भय है वो नहीं रहेगा अपना। पता है ये आप मानो ना मानो, ये एक शंका फैल गई है, एक दुविधा हो गई है कि पता नहीं बीपीएससी क्या अलग कर दे, क्या वो नया कर दे, और कट ऑफ भी बहुत हाई जा रहा है। तो मैं तो भाई यही कहूंगा कि अभी से तैयारी में बेटा जी जुट जाइए। ठीक है, एक महीने का जब टाइम मिला था तब इतना हाई कट ऑफ गया टीआरई 2.0 के लिए, किसी को नहीं पता था। एक साल में 2 बार रिक्तियां कौन रिलीज करता है, इतना बड़ा दिल है किसका, बिहार सरकार का है, एक साल में 2-2 बार वैकेंसी निकाली है। अब टीआरई 3.0 भी आ रहा है, समझ रहे हैं कितना बड़ा दिल है, और इतना बड़ा दिल है कि एग्जाम डेट भी आपको दे दी है कि 24 अगस्त को एग्जाम होने जा रहा है। तो बस एस्टेड दीजिए और इसमें जॉब लीजिए। इतना आसान है क्या सर? नहीं, आसान तो नहीं है, क्योंकि टीआरई 2.0 में हमने देख लिया कि रिजल्ट तो माशाल्लाह आ रहे हैं, कट ऑफ जो है बुर्ज खलीफा का जो जो अंतिम अंतिम जो फ्लोर है ना बेटा, उसको छू रही है। तो फिर तैयारी बहुत जमकर करनी होगी, और बीपीएससी से आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि ये नोटिफिकेशन इस बार अगर रिलीज किया जाए ना तो उसी में सारी बातें कह दी जाएं, बजाय कि रिजल्ट एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले आप बातें लिख रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो वो सरासर नजायज होंगी, है ना, मतलब बेतुकी बातें होंगी, उन पर फिर किसी को बिलीव नहीं होगा, ये लगेगा ये कैसे हो गया, और इसी तरीके से जो सवालात हैं वो उठते चले जाते हैं। तो आशा करता हूं जो त्रुटियां 1.0 2.0 में हुई वो आप 3.0 में नहीं करेंगे। और मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहूंगा जिन्होंने कैलेंडर दिया है तो अब इनकी बात रख लेते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो लिखा है एवरी ईयर, लेकिन ये एवरी ईयर होगा या नहीं होगा वो तो आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो टीआरई 3.0 हमारे पास है उसका तैयारी हमें जमकर करना होगा। तैयारी आप सभी को बताएं सुपर कोचिंग पर आपको कराई जा रही है, शुरू हो गई है। नीचे स्क्रीन पर चलता हुआ आपको नंबर भी दिख रहा होगा, वो ऑफिशियल नंबर है, उस पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके पेड बैच से जुड़ जाना।
ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।